दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और अगर आप अपना बिजली का बिल भरना चाहते हैं पुराने खाता संख्या से, तो अब आपको बिल भरने में समस्या आएगी, क्योंकि जो पुराने खाता संख्या है वो बदल दिए गए हैं, बदल चुके हैं। तो अब आपको सबसे पहले अपना जो नया खाता संख्या है वो पता करना होगा। तो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया बिल भरने का, अगर आप बिल भरेंगे आगे भी तो आपको ये समस्या जरूर आएगी। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप अपना जो खाता संख्या है वो जरूर जान लें, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपको ये काम आएगा। और अगर आप ऑनलाइन बिल भरना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके जरिए ही आप अपना बिल भर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो नया खाता संख्या है वो जानने के लिए यहाँ पर आना होगा उत्तर प्रदेश के जो ये वेबसाइट है UPPCL.org। यहाँ पर आप आकर के इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको आने के बाद ऊपर की ओर आपको देखेंगे, सबसे पहले ऊपर ही यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपना नया खाता संख्या जाने। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद डिस्कॉम आपको अपना सिलेक्ट करना है, यानी कि किस एरिया में आपका जो कनेक्शन है वो किस एरिया में आता है। यहाँ पर देखिए पूर्वांचल है, मध्यांचल है, दक्षिणांचल है, पश्चिमांचल है। तो यहाँ पर जैसे हमारा दक्षिणांचल में आता है, और यहाँ पर आपको अपना पुराना खाता संख्या डालना है जो आपका पहले था वो यहाँ पर आपको डाल देना है सिंपली। और उसके बाद एक कैप्चा कोड इस तरह का दिखेगा, वो यहाँ पर आपको जो भी उसका टोटल होगा वो यहाँ पर डालना है, और उसके बाद आपको नीचे व्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ओल्ड 12 डिजिट अकाउंट नंबर यहाँ पर देखिए आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए न्यू 10 डिजिट अकाउंट नंबर, उसके बदले जो नया हमें 10 डिजिट का अकाउंट नंबर मिला है वो यहाँ पर आ चुका है, और जिसके नाम पर ये कनेक्शन है उसका नाम यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपना जो पुराना खाता संख्या है उससे नए खाता संख्या के बारे में पता लगा सकते हैं और अपना बिल पे कर सकते हैं। अगर आप बिल पे करना चाहते हैं तो इसी का यूज करके बिल पे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है पे बिल विद न्यू 10 डिजिट अकाउंट नंबर, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आपको वो सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट संख्या यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर डालने के बाद अगर आपको अकाउंट संख्या नहीं डालना तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं हम यहाँ पर आप, और उसके बाद जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद व्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पर क्लिक करते हैं, जितना भी आपका करंट बिल ड्यू होगा, जितना भी आपका अमाउंट ड्यू होगा वो टोटल यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें UPI के थ्रू, जैसे भी आप पे करना चाहें यहाँ से आसानी से पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो नया अकाउंट संख्या है वो जान सकते हैं और अपना बिल पे कर सकते हैं।